हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल समीशन की। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आपको प्रॉपर पुशअप्स किस तरह से लगाने हैं। लास्ट टाइम मैंने जो बताया था कि बेंच प्रेस किस तरह से लगाते हैं, तो इसके अंदर भी क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एडक्शन ही होता है। और जब हॉरिजॉन्टल एडक्शन ही होगा तब क्या करना है, शोल्डर को एक्सटर्नल रोटेट करना है, एल्बो साथ में अंदर आ जाएगी और उससे क्या होगा, फिर आपके पेक्टोरल्स पे इफेक्ट ज्यादा आएगा, ना कि आपके डेल्टॉइड पे। अब आपको पता होगा कि डेल्टॉइड को जो स्कैपुलास होते हैं वो क्या करते हैं, उसको स्टेबलाइज करते हैं। स्कैपुलास के अंदर हमारे रोटेटर कफ्स होते हैं जो कि डेल्टॉइड का डीप पार्ट होता है। स्कैपुलास के मतलब इसके डीप पार्ट के अंदर ये हमारे स्कैपुलास होते हैं जो आप हमारे शोल्डर को एलिवेट, डिप्रेस, प्रोट्रैक्ट और रिट्रैक्ट करके रखता है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि इंजरी ना हो, क्योंकि जो रोटेटर कफ होते हैं ये इंजरी प्रोन होते हैं। तो क्योंकि ये एवेस्कुलर होते हैं, यहाँ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है, तो इस वजह से क्या होता है कि आपके जो पार्ट अगर कोई डैमेज हो भी जाए तो हील इतनी जल्दी से नहीं होता है। तो जो आप सुनते हो कि किसी के शोल्डर प्रॉब्लम आ गई और 10 साल 15 साल 5 साल ठीक नहीं होता, वो इसीलिए होता है कि वो रोटेटर कफ में प्रॉब्लम आती है, ना कि आपके डेल्टॉइड के अंदर। तो इसके अंदर मैं बताता हूँ प्रॉपर प्रोसेस कैसे लगाते हैं। आइए यहाँ पे क्या करना है, आपको शोल्डर वाइड स्टांस लेना है। शोल्डर वाइड स्टांस लेने के बाद आपको क्या करना है, आप जो नॉर्मल लोग करते हैं कि चिन को ऊपर रख लेते हैं और फिर ऐसे हिप ड्रॉप होता है, और अगर पूरी फॉर्म उनकी बताऊं तो बिल्कुल ठीक करते हैं और ये शोल्डर बाहर जाता है और तो सामने देखते हैं, इधर देखते हैं, या फिर चिन को न्यूट्रल रखते हैं। तो न्यूट्रल तक तो ठीक है, क्योंकि चिन आपकी कोई भी एक्सरसाइज करोगे हमेशा स्पाइन की लाइन में रहेगी, इन द लाइन ऑफ द स्पाइन, जिससे कि नेक पे प्रेशर ना आए। उसका क्या करना है, वो स्टांस है, बस आपको एल्बो को थोड़ा सा अंदर ले लेना है और थोड़ा सा स्लो जाना एंड ऊपर आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है। जब तक हमने दबाया नहीं ना, एल्बो को बाहर रखा, तब तक थोड़ा एडक्शन प्रोसेस फंक्शन नहीं होगा। जब तक एडक्शन प्रोसेस टारगेट नहीं होगा तब तक आप पूरा पेक्टोरलिस को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। और कॉन्ट्रैक्शन इज द की, जब तक आप पार्ट में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे तब तक वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, और जब ब्रेक डाउन नहीं होगा तो फिर आपका साइज ग्रो नहीं करेगा। हाइपरट्रॉफी का सबसे पहला रूल यही है कि आपने सेल्स को बढ़ाना है। सेल्स को किस तरह बढ़ाना है, तोड़ के बढ़ाना है, न्यूट्रिशन लेके रेस्ट करके उनको दोबारा ग्रो करेंगे माइक्रोटीयर्स आने के बाद, वो बात की बात है। सबसे पहला पार्ट है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपका ब्रेक डाउन उस लेवल का हो, उस टाइप का हो, जिससे कि आपका जो ये चैलेंज है, फंक्शन चैलेंज है, हॉरिजॉन्टल एडक्शन फंक्शन है, अच्छे से चैलेंज हो, ना कि आप एंटीरियर डेल्टॉइड या फिर अपने डेल्टॉइड कुछ और पार्ट पे आएगा। इससे क्या होगा, आपके डेल्टॉइड पे भी कम आएगा और पूरा आपका चेस्ट पे फंक्शन अच्छे से टारगेट होगा। सो आज की वीडियो बस इतना, थैंक यू।